नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। अयोध्या 22 नवंबर गोलाघाट संगतबाड़ा स्थित मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शोएब खान के घर पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुलायम यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष शोएब खान ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन में आम जनता के लिए जो भी कार्य किया है वह आज मील का पत्थर साबित हुआ है। शोएब खान ने कहा कि नेताजी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश को विकास बुलंदियों तक पहुंचाने में काम किया है। उनके कार्यकाल को नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, तगड़ा, पिछड़ा, व्यापारी आज भी याद रखता है। श्री शोएब ने कहा कि नेताजी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा, आने वाले सन 2022 के चुनाव में सपा की सरकार बनाना है। इस मौके पर इंद्रपाल यादव, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड जुनेद खान, कोषाध्यक्ष आशुतोष, जिला कार्यकारिणी सदस्य यूथ ब्रिगेड जुनेद आजाद, जिला कार्य समिति सदस्य महमूद खान, उपाध्यक्ष आदि कार्यकर्ता समेत तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट। आज हम सभी समाजवादी पार्टी के पूरे फैजाबाद जनपद के नेता और सभी कार्यकर्ता, माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जन्मदिन पूरे शान शौकत के साथ अयोध्या नगरी से लेकर पूरे फैजाबाद जनपद में मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के सभी पदाधिकारी, चाहे वो नगर के अध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक के अध्यक्ष हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, सारे लोग हम लोग माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं और अस्पतालों में और गरीबों में जाकर के फल वितरण करके, केक काट करके बड़े हर्षोल्लास के साथ माननीय नेताजी का 83वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में आदरणीय इंद्रपाल यादव जी हैं, इनकी अनुपस्थित में हम लोगों ने माननीय नेताजी का अपने आवास पे जन्मदिन मनाया और अभी हम लोगों ने अपने बच्चों को फल वितरण किया और फल वितरण करने के बाद केक काट करके माननीय नेताजी की लंबी आयु के लिए दुआ भी की गई और जन्मदिन मनाया गया। हम लोगों ने ये प्रण किया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय नेताजी ने अभी आज ही हम सबको बधाई दी कि चाहे छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, सबका जन्मदिन मनाइए और हमको बुलाइए, अभी हम अच्छे हैं, मजबूत हैं और हम आपके दरवाजे आएंगे।